हमारे घर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होता है किचन। तो आज मैं किचन से जुड़ी कुछ ऐसी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर आई हूँ जो मेरे बहुत काम आती हैं और आप सबके भी ये काम आएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अंजना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हम मेरी जो फर्स्ट किचन टिप है वो चाय की इस बोतल को लेकर है। जब भी हम इसमें चाय डालकर इसका यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद हम इसे कितना भी वॉश करें फिर भी इसमें स्मेल रह जाती है, और नेक्स्ट टाइम जब हम इसका यूज़ करते हैं तो इसमें आती है स्मेल। तो इसके लिए मेरे पास एक टिप है। हमने क्या करना है, जब भी हम इसका यूज़ करें इसे हमने अच्छे से वॉश करना है और इसे पूरी तरह से ड्राई कर लेना है। इसके बाद एक लेना है हमने न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर को हम राउंड राउंड शेप में कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद इसे हमने इस बोतल में डालकर रखना है। न्यूज़पेपर बोतल में डालकर इसका लीड लगाकर इसे हम रखेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरी जो नेक्स्ट किचन टिप है वो नाइफ़ को लेकर है। किचन में हम नाइफ़ का बार बार यूज़ करते हैं। बार बार यूज़ करने से जो इसकी धार है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे वेजिटेबल काटने में हमें काफ़ी परेशानी आती है। तो इसके लिए हमने लेना है एक पत्थर, और इस पत्थर पर नाइफ को हमने घिसना है। 2 से 3 मिनट तक इस पत्थर के ऊपर नाइफ को घिसेंगे। नाइफ को घिसने के बाद आप देखेंगे कि इसकी धार काफ़ी शार्प हो जाएगी। मेरी जो नेक्स्ट किचन टिप है वो मसालों को लेकर है। मानसून में इनमें फंगस आ जाती है, तो इनमें फंगस ना आए इसके लिए हमने लेने हैं सिलिका जेल के पाउच, और इस पाउच को लिड के ऊपर हमने कुछ इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। लेकिन हमने इस बात का ध्यान रखना है कि इस सिलिका जेल के पाउच का टच मसाले के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे लिड पर ही अटैच करें। इससे मसाले में फंगस नहीं आएगी। यदि केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक दूसरी टिप ये है कि हींग की पोटली बना लें, और हर एक मसाले के कंटेनर में एक एक पोटली को डाल दें। हींग की इस पोटली डालने से भी मसाले में फंगस नहीं आती। टिप अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। एक लेंगे न्यूज़पेपर, और इस पर डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, और पेपर को फोल्ड करेंगे, और इस पेपर को डस्टबिन में रखेंगे। पेपर को डस्टबिन में रखने के बाद गार्बेज बैग लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि किचन डस्टबिन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, और डस्टबिन हमेशा जम फ्री रहेगा। मानसून सीजन में ये हैक हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। मेरी जो नेक्स्ट किचन टिप है वो किचन सिंक को लेकर है। मानसून सीजन में हमें किचन सिंक की प्रॉपर क्लीनिंग करनी चाहिए। जब भी काम ख़त्म हो किचन सिंक को हमें अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्लीनिंग करने के बाद इसे अच्छे से वॉश करेंगे, और इसका जो ड्रेनेज होल है उसे अच्छे से कवर कर देंगे। इसके लिए वेस्ट पड़े हुए इस लीड का हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से ड्रेनेज होल को कवर करने से नाइट में इसमें से इंसेक्ट बाहर नहीं आएंगे। राजस्थान में तीज फेस्टिवल पर सत्तू बनाया जाता है, तो अब हम देखेंगे कि ये सत्तू हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर 1 कप मैंने चने की दाल ली है, और इसे हमने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। रोस्ट करने से पहले इस दाल को हम किसी भी कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि इसके ऊपर जितनी भी डस्ट लगी है वो सब साफ़ हो जाए।
भुने हुए चने को पीस कर भी हम सत्तू बना सकते हैं। इस प्रकार से जब दाल अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद इसे हमने ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना है। इसे हमने एकदम बारीक पीसना है। पीसने के बाद ये देखिए ये इस प्रकार की फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद इसे हमने छान लेना है और छानने के बाद इस प्रकार से रेडी हो जाएगा सत्तू। इस सत्तू से हम बहुत सी रेसिपी बना सकते हैं। तीज के अवसर पर इस सत्तू से लड्डू बनाए जाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि इससे हम लड्डू कैसे बनाएं। एक पैन में हमने लेना है 2 बड़े चम्मच देसी घी। जितना हमने देसी घी लिया है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमने लेना है सत्तू, और इस सत्तू को हमने इस घी में भूनना है। इस घी में इस सत्तू को हमने 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर भूनना है, और जब इसमें खुशबू आने लगे और सत्तू पैन छोड़ने लगे तो समझो सत्तू रेडी है। अब इस सत्तू को हम ठंडा करेंगे। इसके लिए इसे एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके बाद इस सत्तू में मिलानी है बूरा चीनी। बूरा चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे इतना मिक्स करना है कि इस प्रकार से ये बनने लगे। इसके बाद इसमें ऐड करना है इलायची पाउडर, और इसके बाद इसे किसी भी शेप में, या हम लड्डू की शेप में या पेड़े की शेप में इस सत्तू को हम बना लेंगे। राजस्थान में तीज के अवसर पर स्पेशल इस प्रकार से सत्तू बनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के इन किचन टिप्स में से सबसे अच्छा टिप कौन सा लगा। तो इसी के साथ मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नई किचन टिप और एक नई रेसिपी के साथ। कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।